सुबह के 9 और आज मैं बहुत लेट उठी हूँ और उसका रीज़न है कि आज छुट्टी थी और मैं पूरे हफ्ते पूरे अच्छे से नींद नहीं ले पाती हूँ क्योंकि रात के मुझे 1 या 2 बज जाता है सोते सोते, क्योंकि वीडियो एडिट मैं रात में ही करती हूँ, 10 बजे से स्टार्ट करती हूँ या 10:30 बजे से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि दिन में अपने आप को टेंशन नहीं देना चाहती कि वीडियो अभी एडिट नहीं हुआ है तो मैं रात में ही करने लगी हूँ। मतलब मैंने एक शिफ्ट बना लिया है कि मैं 10:30 बजे वीडियो एडिट करना स्टार्ट करती हूँ और 2 बजे तक कंप्लीट करके रख लेती हूँ और उसके बाद मैं दिन में मैं उसे अपलोड कर देती हूँ और शूट करती हूँ। तो यही मेरा रूटीन चल रहा है। और ये मेरा हाथ जो कल जल गया था, मैंने दिखाया था, मुझे लगा थोड़ा सा जला है पर उसके बाद वो पूरा खाल अंदर से निकल गया है और ये बहुत दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब हाथ उठाया नहीं जा रहा, हाथ मोड़ा नहीं जा रहा, इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है ये। तो अभी मैं ले रही हूँ नींबू पानी। इस डाइट में, हमारे 7 डे की डाइट में नींबू पानी है। तो आज है 5th डे, मतलब कि मैंने 4th डे अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। मेरा वेट भी बहुत कम हुआ है और कितना हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। कल का हमारा जो वेट था वो था 58.55 और आज का मेरा वेट है 58.40, मतलब 150 ग्राम आज भी कम हुआ है। और मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, बहुत नॉर्मल सा वर्कआउट कर रही हूँ, बहुत कम वेट से कर रही हूँ और मैं 45 मिनट ही लगभग वर्कआउट करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर रही हूँ। मैं स्टेप जो 10,000 स्टेप थे वो भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पूरे दिन मैं सूट करती हूँ, स्कूल में रहती हूँ, फिर आती हूँ अपना खाना वगैरह बनाती हूँ तो उसी में पूरा टाइम निकल जाता है। और उसके बाद अगर मैं वो करने चले जाऊँगी तो बहुत थक जाऊँगी और मैं सो जाऊँगी और अपनी एडिटिंग नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं 10,000 स्टेप नहीं करती। हाँ, दिन में मेरे 10,000 इसमें हो जाते हैं, मतलब चलते फिरते में, अलग से 10,000 जो मैं करती थी वो नहीं हो पाते हैं। और रात तक सोते सोते मेरी 10,000 इसमें तो हो ही जाते हैं, मतलब काम करने में, स्कूल में, जिम में, इस तरीके से पूरा हो जाता है। अभी मैं ले रही हूँ अपना ये नींबू पानी बना लेते हैं और सिर्फ नींबू और पानी लेती हूँ मैं, कोई भी शहद वगैरह नहीं डालती हूँ, बट आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा मन होता है तो मैं ज़रूर डाल लेती हूँ। और दो दिन से लेमन ग्रीन टी नहीं पी पा रहे हैं तो हम वो भी आज लेंगे, आज घर पे हैं तो बहुत अच्छे से डाइट होगी। तो पहले मैं ये इंजॉय करूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक और फिर अपने ब्रेकफास्ट में क्या बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ और देखती हूँ, मैं खुद सोचती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ क्योंकि मैं फिर से मूंग दाल भिगोना भूल गई। तो देखते हैं क्या बनाते हैं हम। अभी हो रहा है 10 और मुझे लगी है बहुत तेज भूख क्योंकि हमारा अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। मैं मॉर्निंग ड्रिंक पी के ऐसे ही बिस्तर में पड़ी रही और मन नहीं हो रहा था उठने का, लेकिन मैं उठ गई हूँ क्योंकि अब सच में भूख लग रही है। 4 दिन से मैं सेम चीज़ खा के एक जैसी चीज़ें खा के इंटरचेंज करके, कभी दोपहर कभी शाम, मैं थोड़ा सा बोर हो गई हूँ, मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। तो हम कुछ तो खा नहीं सकते क्योंकि हम हैं डिटॉक्स डाइट पर, लेकिन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हम वेजिटेबल और मूंग की दाल का जो चीला बनाते थे उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं। तो उसके लिए तो मैं आपको दिखाई देती हूँ, ऐसे बता नहीं पाऊँगी, तो मैं बनाते हुए दिखा देती हूँ क्या बना रही हूँ। जब हम मूंग की दाल का चीला बनाते थे तो हम ग्रीन वेजेस को अच्छे से चॉप कर लेते थे। तो मैंने सारी ग्रीन वेजेस जो भी मेरे पास थी, गाजर थी, गोभी नहीं, सॉरी आज गाजर नहीं थी, आज गोभी थी, पत्ता गोभी थी, शिमला मिर्च थी और बीन्स थी और हरी मिर्च, वही ले ली है। गाजर नहीं थी मेरे पास, गाजर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और ये हमने लिया था दाल का पाउडर, जो उसमें पानी डाल के अच्छे से हमने सोक कर लिया, उसको अच्छे से चला दिया और थोड़ा थिक लिया है मैंने इसमें, अभी देख रहे हो आप, इसी तरीके का लिया है, इसमें पानी नहीं डाला है। और मैं इसमें इसे मिला दूंगी, लेकिन मैं चीला नहीं बना रही हूँ, अभी आप समझ जाएंगे जब मैं इसको बनाना स्टार्ट करूंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच दही और मिक्स करके देख लेंगे कि ये कहीं पतला ना हो जाए क्योंकि हमें थिक कंसिस्टेंसी का लेना है। हम इसमें 1/2 चम्मच और मिला सकते हैं तो हम मिला लेंगे। ये हमारा बैटर बनके तैयार है और इतनी ही कंसिस्टेंसी का रखना है जिससे कि हमारी जो इडली है, हम इडली बना रहे हैं और उसको मॉडिफाई करके जैसे हम इसका चीला बनाते थे उसी तरीके से इडली बनाएंगे, उसको बाद में हल्का सा राई के साथ फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा बैटर बनके तैयार। अब हम इसमें रेड चिली डाल देंगे, नमक डाल देंगे,
जितना भी टेस्ट के अनुसार, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे इनो, पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा ही हमारा बैटर है। इसको अच्छे से धीरे धीरे सॉफ्ट हाथों से ही इसको मूव करना है, जिससे कि इसमें ना अच्छा सा पफ सा बन जाए, बबल्स आ जाए अच्छे से। अब ट्रे लेंगे इस तरीके की, मैं माइक्रोवेव में बनाती हूँ इसलिए ये वाली ट्रे है मेरे पास। अगर आप स्टीम में बनाएं तो उसको स्टीमर का यूज़ कर लें। और इस पर मैं घी पेस्ट कर दूंगी, हल्का हल्का सा ग्रीस कर दूंगी। गाइस, हमारा मूंग की दाल का स्पेशल नाश्ता बनके तैयार है और ये ब्रेकफास्ट आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आप इस तरीके से मॉडिफाई करके खा सकते हैं अगर आपका चीला खाने का मन ना हो। सेम इंग्रेडिएंट्स हैं और ग्रीन वेजेस है, मूंग की दाल है, टमाटर है, प्याज है। दाल ना भी भीगी हो तो भी आप उससे बना सकते हैं और इंस्टेंट बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रेसिपी है कि अगर आपके पास दाल भीगी हुई नहीं है, आप टेस्टी नाश्ता करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मैंने एक पीस पहले ही खा लिया आपको दिखाने से पहले है। और कल की रात ये जो कढ़ाई रखी हुई थी घी बनाने वाली, मैंने उसी में फ्राई कर लिया था। बहुत थोड़ा सा घी डाल के, राई और करी पत्ता ये सब से डाल के, ऊपर से सांभर मसाला, थोड़ा सा नींबू और चाट मसाला, जिससे कि थोड़ा सा इडली सांभर का टेस्ट आए। और ये हाई प्रोटीन है, हाई फाइबर है, तो आपको वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करेगा और साथ में आपके टेस्ट को भी बनाए रखेगा। कौन कहता है कि डाइटिंग बोरिंग होती है? डाइटिंग बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होती है, बस आपको कुकिंग स्किल आनी चाहिए और आपको ये समझ आना चाहिए कि हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जो हम अपनी डाइट में यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं और भी तरीक़ों से उसको बनाने के लिए। तो इसका एक दिन और मैं कुछ और बना के दिखाऊंगी सेम इन्हीं चीज़ों से, मूंग की दाल से और सब्जियों से, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो अभी मैं ये खाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ कि अब मैं नेक्स्ट मील में क्या ले रही हूँ। वैसे इसके साथ मैं चाय लेने वाली थी बट अब गर्मी इतनी लग रही है मुझे कि मैं अब बनाने के मूड में नहीं, क्योंकि इसको बनाने में मुझे टाइम लग गया। वैसे बनाने में टाइम नहीं लगता, जब सूट करते हैं तो टाइम लग जाता है, इसलिए अब मैं ये खाऊंगी। हेलो गाइस, अभी हो रहा है 11:30 और मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ क्योंकि आज छुट्टी है और मैं छुट्टी वाले दिन पूरा चिल मार मार के सारे काम करती हूँ, क्योंकि पूरे 6-7 दिन तो ऐसे ही निकल जाता है कि सुबह उठो, सीधे किचन में जाओ, जल्दी से अपना खाना बनाओ, फिर जल्दी से तैयार हो, स्कूल जाओ, स्कूल में काम करो, स्कूल से 2:30 पे आके फिर से काम में लग जाओ, फिर रात में एडिटिंग करो। और कल रात को तो मैंने एडिटिंग भी नहीं करी ये सोच के कि कल छुट्टी है, कल कर लूँगी, और आज अभी तक शुरू भी नहीं करी है। 11:30 हो गया है और मैंने बना ली अपनी जैगरी वाली टी। और कैसे बनती है, मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, जिससे कि आपकी जैगरी वाली टी है कभी नहीं फटेगी। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है फट जाती है, और हर बार जब मैं चाय पीती हूँ तो ये वाले वर्ड क्यों बोलती हूँ, इसलिए क्योंकि जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं तो उनको पता चल जाए कि ये कैसे बनती है। और मैं यही लेती हूँ, वैसे तो इस डाइट में जो डिटॉक्स डाइट चल रहा है 7 डे का, उसमें ये है नहीं, पूरे दिन बिजी रहती हूँ मैं तो फिर वो मेरा चलेगा नहीं। एक चाय तो अपनी पसंद की पी सकती हूँ। जो आज ब्रेकफास्ट किया था वो भी बहुत यूनिक था, मुझे अच्छा लगा। अगर चाय के साथ खाती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, और सांभर भी होता तो और मजे आ जाते।
तो कोई नहीं, हमने मैनेज कर लिया अपने डाइट को और आज भी कम हुआ है, आपने देख ही लिया है, तो खुश हूँ कम हो रहा है, क्योंकि मेरा लास्ट का वेट है जो 50s वाली लाइन में आके वेट कम होना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत धीरे धीरे जाता है, बट होता है, ऐसा नहीं है। तो गाइज 7 days हमारे बहुत अच्छे जाएंगे, मेरे तो 6 ही days होंगे, एक दिन रक्षाबंधन में चला जाएगा राखी वाले दिन, तो उसके नेक्स्ट डे मैं फिर से प्रॉपर एक दिन पूरा कर लूँगी, तो मेरा हो जाएगा और कोशिश करूँगी राखी वाले दिन भी हो जाए, अगर हो पाया तो 6 दिन में देखते हैं हम कितना कर पाते हैं अपना वेट लूज। अभी लगभग हो गया मेरा 1 kilo 800 grams, मतलब लगभग 2 kilo होने वाला है कम, जो कि हम 4 दिन में ही कर चुके हैं कंप्लीट। तो आप सोच सकते हैं ये वाला जो डाइट प्लान है वो कितना इफेक्टिव है। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रही क्योंकि मेरी चाय ठंडी हो रही, ऊपर पपड़ी पड़ गई, तो चलिए मैं पीती हूँ चाय और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, अगर नहा ली तो नहा कर, नहीं नहाई तो ऐसे ही। चलिए बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस देखा आपने मैंने क्या लिया है, मैंने ली है मूंग की दाल और बहुत थोड़े राइस लेके मिक्स वेजिटेबल्स एंड सोया चंक्स का जो पुलाव मैं बना रही थी वही बनाया है मैंने। और आज ग्रीन चटनी नहीं थी तो मैंने दूसरी तरीके से सैलेड को लिया है, और जो इससे पहले मेरा एक मील और था जिसमें मुझे मट्ठा पीना था, मतलब बटर मिल्क पीना था, तो मैंने क्या किया कि ढेर सारा जो सैलेड था उसको क्रश किया, जैसे लास्ट 2 times से कर रही हूँ, जिसमें मैंने आधा चुकंदर लिया, फुल खीरा लिया, फुल टमाटो, एक ग्रीन चिली और उसको अच्छे से चॉप कर लिया, उसमें नमक डाला, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा चाट मसाला, और जितना दही मैं बटर मिल्क के लिए यूज़ करती थी तो वो मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। और ये हमारा दही मिक्स वेजिटेबल रायता तैयार है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे, मैंने टेस्ट करके देखा था काफ़ी अच्छा है। तो हमारे 2 meals का 1 meal बन गया, और जो इसमें अजवाइन यूज़ करती थी वो मैंने इसमें तड़का दे दिया अजवाइन, और साथ में जो क्यूमिन सीड होता है उससे। और तो अभी मैं ये कंप्लीट करती हूँ फिर गाइस, मेरा वर्कआउट हो गया है और मैं वर्कआउट से आ गई हूँ, और मैं ले रही हूँ ग्रीन टी, और जो भी सुबह से बचा कुचा था हमारा जो हमने नहीं लिया था, जैसे कि खजूर बचा था, तो मैं 4 तो नहीं लिए, 1 ले लिया है, 1 अखरोट बचा था वो भी ले लिया है, साथ में मैंने मिक्स सीड्स ले लिए हैं, ये सारे लेके साथ में मैंने मिक्स सीड्स ले लिए हैं, यही सब मैं लूँगी क्योंकि अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो मैं अभी ये ले लेती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ डिनर में क्या लेती हूँ, अभी तो कुछ भी मन नहीं हो रहा। अगर डिनर में कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ तो मैं फ्रूट्स ले लूँगी, जो कि मैं आपको दिखा दूँगी जब भी लूँगी, तो पहले मैं अपनी ये ग्रीन टी इन्जॉय करूँ। और ये वाली लेमन हनी ग्रीन टी बनाई है मैंने, इसमें हनी डाली है क्योंकि उस दिन मुझे हनी वाली ग्रीन टी अच्छी लगी थी, आप भी ट्राई करिए आपको भी अच्छी लगेगी। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इस वाली डाइट से क्या हमारा 5 kilo तक वजन कम होगा, तो मैं उनको बता दूं मुझे जल्दी नहीं है इसलिए मैं एक चाय ले लेती हूं। आप लोग चाय बिल्कुल मत लीजिए इस वाली डाइट प्लान में, और डिक्टो जैसे डाइट प्लान बताया है वैसे ही करेंगे तो जरूर आपका 5 to 6 kilo जाएगा ही जाएगा। मैं थोड़े चेंजेस कर लेती हूं अपने अकॉर्डिंग क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, और 58 पे भी मेरा वेट ठीक लगता है, और जितना कम करना है तो वो तो मैं धीरे धीरे कर ही रही हूँ, इसलिए मैं थोड़े से चेंजेस कर लेती हूँ, जैसे चाय ले लेती हूँ और कभी कबाब बना लिए, वो सब भी आप ले सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का या घी का यूज नहीं करेंगे, तो आप बहुत आसानी से उसे भी ले सकते हैं। मूंग दाल खिचड़ी में ना के बराबर चावल डालें, जैसे 2 tablespoons डाल लें चावल, बस उतना ही लें, और दाल ज़्यादा ले लें, वेजिटेबल्स ज़्यादा ले लें, इस तरीके से करेंगे तो ज़रूर कम होगा। मैं थोड़े मॉडिफाई कर लेती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी लूज नहीं करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं वेट ट्रेनिंग भी करती हूँ और भी, तो मुझे थोड़ा सा खाना पड़ जाता है, वरना मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है। तो मैं अभी लेती हूँ ग्रीन टी क्योंकि ये फिर ठंडी हो जाएगी, और साथ में ले रही हूँ अपने ये सुबह से लेके अभी तक सीड्स हैं, मिक्स नट्स हैं, ये सारी चीज़ें। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट मील पे। हेलो गाइस, अभी हो रहा है 9:30 और मुझे अभी तक भी भूख नहीं लगी, इसका मतलब मुझे अब भूख नहीं लगेगी, तो मैं अभी डिनर में ले रही हूँ ये एप्पल, क्योंकि इसलिए ले रही हूँ भूख ना लगने के बाद भी, कि अगर मुझे रात में भूख लगे तो मैं कुछ उल्टा सीधा ना खाऊं, इससे अच्छा है कि मैं एक एप्पल खा के ही सोऊं। और सोना नहीं है अभी क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करके रखना है, क्योंकि कल के लिए, कल पूरा दिन ट्रैवल हो जाएगा, मैं घर जा रही हूँ राखी के लिए, तो देखते हैं ट्रैवलिंग में मेरी डाइट कैसे मैनेज होती है, और ये वाली खासकर जो हमारी
डिटॉक्स डाइट है, क्योंकि हम इसमें बाहर का भी नहीं खा सकते, कोई नान नहीं, कोई मिर्ची रोटी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मेरे पास पूरी तैयारी है, मेरे पास थोड़ी सी इडली बची हुई थी वो रखी है, थोड़ी सी मेरे दिन की खिचड़ी बची थी वो भी रखी है, और फ्रूट्स ले जाऊंगी और ग्रीन टी मैं कहीं पी लूंगी, ग्रीन टी रख के लेके जाऊंगी, कहीं भी गर्म पानी लेके पी सकती हूँ। वैसे इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट वगैरह या फिर खिचड़ी रख के लेके जाऊंगी, रास्ते में खा लूंगी, और दोपहर तक तो मैं घर पहुंच ही जाऊंगी तो वहां पे खा लूंगी। तो अभी मैं ये लूंगी एप्पल। गाइस आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और ये 7 डेज की जो हमारी डिटॉक्स डाइट की जर्नी है वो कैसी जा रही है, प्लीज गाइज मुझे जरूर बताया करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइज मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, जिससे कि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके और साथ में मेरी भी हो सके। और आपको इसी तरीके की वीडियो देखना पसंद है तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कर दें, उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके ऑल का बटन दबा दें, तो आपको मेरी वीडियो टाइम से मिलती रहेगी। अब हम मिलेंगे कल नए दिन के साथ, नई जर्नी के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।